हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक टिप देने वाली हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल नेटवर्क को बिल्कुल सल्यूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे घर के आसपास टावर नहीं पकड़ता है, जिसके कारण से हमारा जो मोबाइल नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलने लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, बिना समय गवाए हुए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मोबाइल नेटवर्क का अगर प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो उसको सोल्यूशन देने के लिए वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेथड है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले हमको सेटिंग में चले जाना है। तो हमको अपनी मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल की ये सेटिंग है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन कर लेते हैं, आपको अबाउट फ़ोन में चले जाना है। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेंगे ऊपर में अबाउट फ़ोन, ठीक है। अबाउट फ़ोन यहाँ पे आप देख सकते हैं अबाउट फ़ोन ऑप्शन हमको शो कर रहा है, तो सिंपली हम इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम इसको ओपन कर लेते हैं, आपको यहाँ पे सिम कार्ड स्टेटस करके एक ऑप्शन नज़र आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, सिम कार्ड स्टेटस करके एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस करके ये ऑप्शन है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देते हैं, आपको यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ आपका यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम स्टेटस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिम स्टेटस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सिग्नल स्ट्रेंथ में आपको दिखा देगा कि आपका जो सिम का जो लेंथ है, कितना स्ट्रेंथ है, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप जान सकते हैं कि आपका मोबाइल का जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तुरंत ये चेंज हो गया, 106 हो गया, पहले थोड़ा ज़्यादा था, 117 था। वैसे ही ये बदलते रहता है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो आपको उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर में चले जाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर है, सिंपली हमको इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं, आपको एक ऐप को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, जिससे कि आपका जो नेटवर्क है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल सके। तो हमको ऐप का जो नाम है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या है। फोर्स LTD ऐप जो है वो आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। तो फोर्स LTD ऐप अपने मोबाइल में हम डाउनलोड कर देंगे। ये देख सकते हैं फोर्स LTD यहाँ पे शो हो गया, आपको यही वाला डाउनलोड करना है। ये वाला देखिए, आप जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा शो हो जाएगा, तो कहीं आपको गलत वाला डाउनलोड ना कर लें, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से शो कर दे रही हूँ। तो सिंपली इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो लगभग 2 से 4 मिनट में ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, लगभग 1 से 2 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको क्या करना है कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसको इंस्टॉल होने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये सक्सेसफुली हमारे मोबाइल में डाउनलोड और इंस्टॉल हो चुका है। इसको हम सिंपली ओपन कर लेंगे ये वाले बटन पर क्लिक करके। तो इसको सिंपली हम ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये ओपन हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, तो आपको सिंपली आगे बढ़ते चले जाना है। इस पर क्लिक करते हुए डन पर हो गया, उसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा, DBM मीटर, ये वाला देखिए, यहाँ पे DBM मीटर आपको यहाँ पे नीचे में शो होगा। तो आपको सिंपली उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर लेते हैं, आपका जो नेट है कितना है वो आपको यहाँ पे क्लियरली अच्छे तरीके से बता देगा कि आपका जो नेट है वो आपका स्पीड कैसा है, कैसे आपका इंटरनेट चल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरनेट मेरा थोड़ा सही तरीके से वर्क कर रहा है अभी। अभी आपको क्या करना है यहाँ पर कि अगर आप चाहते हो कि मतलब आपका इंटरनेट सही तरीके से वर्क करे, तो ये ऐप तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। ये यहाँ पे अगर 40 शो कर रहा है तो ये सबसे ज़्यादा इंटरनेट है, और अगर आपको इधर शो कर रहा है तो आपका नेट थोड़ा कम चल रहा है। तो अब हमको क्या करना है इधर कि इस ऐप की मदद से आप जान सकते हो कि आपका जो इंटरनेट जो है वो कैसे मतलब काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नहीं चाहते कि आप अपना
इस ऐप को डाउनलोड करो तो फिर आप एक और प्रोसेस कर सकते हो कि आपको सिंपली अपने फ़ोन में चले जाना है जहाँ से आप कॉल करते हो, कॉलर पैड पे आ जाना है। उसके बाद आपको एक नंबर डायल करना है जिससे कि आप जान सकते हो कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना चल रहा है। तो वो नंबर है *#*#46*#*#, जैसे ही हम दबाएंगे तो वो तुरंत काम करने लगेगा। अगर आपके मोबाइल में काम नहीं कर रहा है तो उस ऐप को आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल में ये जो है वो काम नहीं कर रहा है स्टार दबाने के बाद भी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि इस ऐप के बारे में। अगर ये कोड जो है वो आपके मोबाइल में वर्क कर रहा है तो फिर आप इस ऐप को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इस कोड के मदद से अपने मोबाइल के बारे में सब कुछ जान सकते हो। तो यहाँ पे भी आप अपने मोबाइल के बारे में सब कुछ जान सकते हो, सिंपली आपको 4G LTE पे आ जाना है, ठीक है। जैसे ही आप उस पर आ जाते हो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है एडवांस सेटिंग का, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। सिम LTE 3G, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया हमारे मोबाइल के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है ना वो यहाँ पे आपको सब कुछ शो कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे मोबाइल के बारे में जितना भी इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हो, आपको भी यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा। अगर वो कोड जो है अगर आप डायल करते हो आपके मोबाइल में वर्क करता है तो फिर बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, आप उस कोड की मदद से ही ये सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। अदरवाइज़ वर्क नहीं कर रहा है तो आपको इस ऐप को अपने मोबाइल में यूज़ करके देख सकते हो कि आपका जो इंटरनेट है वो कैसा वर्क कर रहा है और सब कुछ इन्फॉर्मेशन अपने मोबाइल के बारे में जान सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ट्रिक है और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्रिक है जिसकी मदद से आप जान सकते हो कि आपका जो इंटरनेट है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो गाइज ये बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है आपको तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।